हिस्ट्री अथी है क्या कहते हैं कुरु पास बुक वगैरह क्या ऐसे कहानी सुना देते हिस्ट्री जैसे आप देखो ठीक बता रहे पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे हार्यक वंश ठीक है ओकर बाद पढ़े थे हम लोग सिकंदर के बारे में भी पढ़ लिए थे आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य के बारे में मौर्य काल पूरा पढ़ेंगे इससे पहले कुछ लाइन दोहराते हैं जिससे हम लोग हार्यक वंश वगैरह एक बार पूरा रिवाइज हो जाएगा तो हार्यक वंश देखो बता रहे हैं मगध के सबसे पुराना जो वंश था वो हार्यक वंश का संस्थापक और वो था बिंबिसार आप बिंबिसार बहुत ज़्यादा शादी किया था और अपना वैवाहिक जीवन से अपना साम्राज्य को खड़ा किया था और क्या किया था राजगीर को अपना शहर बसाया था राजगीर क्योंकि बिंबिसार क्वेश्चन कभी पूछता है कि मगध के सबसे पुराना राजधानी कौन है तो राजगीर है ये सवाल पूछा हुआ है और राजगीर क्या बनाया था बिंबिसार और राजधानी भी अपना बनाया था बिंबिसार का किया अंग राजा बृहदत्त को हरा दिया और हरा कर अंग राज को अपने अंदर मिला लिया था बिंबिसार बृहदत्त को हरा कर अब बृहदत्त के ही बेटा था जरासंत ये कहानी तो कल सुनेबे किए थे परसों उसके बाद बता रहे बाबू अब ये बिंबिसार 52 वर्ष से जिंदा रह गया अब 52 वर्ष से समझ रहे हो ना 18 साल में कम से कम राजा बना होगा अब 52 वर्ष से जिंदा रह गया तो पूरा बुढ़ा हो गया ना अजात शत्रु इंतजार में था कि बाप कब मरेगा तो बप्पे को मार दिया और मार के गद्दी पे बैठ गया बाबू अजात शत्रु बिंबिसार के समय एक राजवेद था जिसका क्या नाम था जीवक नाम था और जो राजा था प्रदोधत उसका हो गया था पांडु रोग है ना पांडु जो रोग हो गया था तो विनती किया था कि मेरे प्रदोधत को भेजने के लिए तो प्रदोधत जब आया ने तो उसको इलाज किया और जानते हो गौतम बुद्ध के भी भेजा था ये करने के लिए एक बिंबिसार एक ऐसा था कि बिंबिसार के ही समय महावीर के जन्म हुआ था 540 में और गौतम बुद्ध के जन्म पहले हुआ था अगर बिंबिसार पहला राजा अनुयायी था हार्यक वंश का तो गौतम बुद्ध के अनुयायी था अनुयायी के मतलब होता भक्त क्लियर ओकर बाद अजात शत्रु उसको हत्या करके गद्दी पे बैठ गया बाबू और वर्षाकर के मदद से वो वैशाली को हरा देता है और अपने अंदर मिला लेता है और वैशाली को राजधानी बनाता है और ये करीब 32 वर्ष तक शासन किया ककरो बेटा था उदयन तो वो इंतजार कर रहा था कि बाप कब मरेगा हम गद्दी पे बैठेंगे तो वो भी बाप को मार दिया और इसी कारण बाबू जो हार्यक वंश को बोला जाता है कौन वंश बाबू पित हित्या वंश बोला जाता है बाबू ठीक है और उदयन था जो आज पटना हम लोग जानते हैं बाबू पटना पहले पाटली ग्राम के नाम से जाना जाता था पाटली ग्राम तो वह उसी पाटलिपुत्र बाद में पड़ा फिर पटना नाम परिवर्तन कर दिया सिरसा सूरी जो गंगा और सोन नदी के संगम पे बसाया था क्लियर अब उदयन के 3 बेटा हुआ तीनों में से 2 को पागल था एक के बेटा योग था उसका था नागदशक और नागदशक के राजा बनाया चले 11 नाग पड़ल था शिशुनाग जो 412 में उसको हत्या कर दिया बाबू और हत्या करने के बाद बता रहे हैं गद्दी पे बैठ गया बाबू और शिशु नाग वंश का स्थापना कर दिया जानते हो अजात शत्रु एक ऐसा राजा था कि उसी समय गौतम बुद्ध के भी मृत्यु हुआ था और महावीर के भी मृत्यु हुआ था तो गौतम बुद्ध का तब मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में उस समय एक बौद्ध संगीति कराया था महाकश्यप के अध्यक्षता में अब यहाँ अजात शत्रु के बाद तो उदयन आया बाबू उदयन के बाद था नागदशक और नागदशक को शिशु नाग मार दिया और शिशु नागवंश की स्थापना कर दिया तो वो क्या किया ने कि पाटलिपुत्र को राजधानी हटाकर ले गया वैशाली ठीक है तो अगर बेटा था कालाशोक तो कालाशोक फिर क्या किया पाटलिपुत्र फिर हटा दिया ना वैशाली हटा दिया और पाटलिपुत्र फिर ले आया फिर कालाशोक क्या किया कि दूसरा बौद्ध संगीति कराया सबकामी की अध्यक्षता में करवाया था ठीक है कहाँ कराया था वैशाली में कराया था पहला राजगीर में हुआ था दूसरा वैशाली में हुआ था ठीक है 100 साल के उपलक्ष्य में करवाया था फिर शिशु नाग वंश का अंतिम राजा था जिसका नाम था नंदीवर्धन क्या नाम था नंदीवर्धन अब यहाँ से क्या होता है कि एक राजा रहता है महापदनन
है ना, जो नंद वंश के संस्थापक था। अब यहाँ कहानी क्या था ने कि जो राजा था ने अपना दाय को ही रानी बना लिया था, राजा था अपना दाय को ही रानी बना लिया था, और उसी से ये हुआ था घनानंद। ऐसे कर घनानंद बहुत ज़्यादा घमंडी था, वो ना ही कोई पुरोहित को इज्जत करता था ना किसी को इज्जत करता था। अब यहाँ का कहानी है तो हम सुनो पूरा ध्यान से। घनानंद बहुत घमंडी था, वो मतलब जनता पर भी बहुत ज़्यादा अन्याय भी करता था। तो एक वो यज्ञ करा रहा था, तो यज्ञ कराने के समय क्या हुआ, वो बोला कि सबसे बड़ा विद्वान के लेते हैं आप। तो तक्षशिला का एक शिक्षक थे जिसका नाम था चाणक्य, जिसको विष्णु पुत्र कौटिल्य भी बोला जाता है, विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी बोला जाता है। और चाणक्य के नाम बहुत सुना होगा क्योंकि एक जीता जाता उदाहरण है कि एक सिंपल लड़का के वो पूरा भारत के सम्राट बना दिया था। वो भी मतलब उसके पास कोई नहीं, एक खाली टीचर था। वो जीता जागता उदाहरण है बाबू कि पूरा एक सिंपल बच्चा के उठाकर उसको पूरा सम्राट बना दिया था। और बता रहे उस समय जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था, बता रहे जो भी पाकिस्तान में है, 300 ईसा पूर्व के बाद बता रहे, उस समय यहाँ भारत में तक्षशिला विश्वविद्यालय था। सोच सकते हो जहाँ विदेश में पढ़ने का कहा उन लोगों को भगवान तक नहीं था, रियली वो बता रहे हैं। उस समय यहाँ विश्वविद्यालय था करीब, पढ़ाई के मामले में यहाँ के बहुत सारा ग्रंथ वगैरह जला दिया गया है। जानते हैं बहुत सारा जो सिद्ध करता था ना, जो शोधकर्ता होता है, तो जो हिंदी और जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है उसको प्रमाण नहीं दिया, वैल्यू नहीं दिया। नहीं तो इतना जान लो, आज हम लोग करते थे मंगल बुध बृहस्पति शुक्र दिन रखा हुआ दिन के नाम बाबू, और ये दिन के नामे पर ना पूरा ग्रह है बाबू। तो सोचो ना हमने के ग्रंथ में पहले पूजा किया जाता था। आज ज्योतिष शास्त्र को हम लोग पूछते हैं ना तो पूजा में कर, वो भी एक कैलकुलेशन है। तो ये सब बहुत सारा ग्रंथ था। ये अलाउद्दीन खिलजी, हाँ बख्तियार खिलजी था ना बाबू, पूरा जला दिया ना नालंदा विश्वविद्यालय में। तो बहुत सारा ग्रंथ था जिसको जला दिया गया। नहीं तो जानते हो यहाँ बहुत पहले विश्वविद्यालय था, सोच लो तक्षशिला विश्वविद्यालय तो पूरा विश्व का मतलब प्रथम विश्वविद्यालय था। और वहीं के शिक्षक था चाणक्य। और चाणक्य जो था ना राजनीतिक में वो पहला नंबर था, उसको राजनीति का जनक बोला जाता था, है ना। उसका जो पुस्तक है अस्त्र शास्त्र है ना, बहुत कला उसमें था। तो उसको बुलाया गया कर, उसका एक क्या था ना कि देखने में पूरा करिया था, और देखने में करिया बड़ी भद्दा था जिससे आदमी उससे घृणा करता था। अब क्या हुआ कि तब दरबार में आया तो राजा घनानंद पूछा कि सबसे बड़ा विद्वान कौन है, तो बताया गया कि यही है। तो उसको देख के हंस पड़ा, तो बोलता है कि एक काला कोलोटा ये विद्वान है, पूरा मतलब मजाक उड़ा दिया पूरा। तो उतना में भी चाणक्य चिड़ा नहीं, उसके बाद क्या हुआ चाणक्य एक राय देता है, क्योंकि अवन जो राजा था बाबू सिकंदर, वो भारत पे आक्रमण कर रहा था। और छोटे देखो मगध जो था पूरा भारत के बीचों बीच में था, क्योंकि मगध एक शक्तिशाली राज रहता था। क्या विदेशी आक्रमण करेगा तो बाबू बीच में आक्रमण नहीं करेगा, वो तो लाज शुरू से दम ओठोटी से आएगा ना। जिसका मगध के अंतर्गत आता था, मगध में तो बिहार यूपी मध्य प्रदेश आता था, आ जाते हो पूरा मजबूत था। अब जानते हो ये जो राय दिया ने चाणक्य कि महाराज ऐसा कीजिए कि आप पूरा भारत के सम्राट बन जाइए, कि जो छोटे छोटे राज पे आक्रमण कर रहा है सिकंदर और उसको हथियार रहा है, उसको आप सपोर्ट कीजिए, उस राजा को अपने अंदर लाइए और सिकंदर को भगाइए, नहीं सिकंदर आपको भी हरा देगा। और ये वर्ड जो सुना ने कि आपको हरा देगा, तो घनानंद को आ गया गुस्सा, है ना, कि घनानंद बोले गए हमको हरा देगा, क्योंकि घमंड में चकनाचूर था। तो वो क्या किया, अपना सैनिक को आदेश दिया, बोले इसका सखा पकड़ के यानी चुंदी पकड़ के घिसियाते हुए इसको बाहर ले जाओ। अब जानते हो इतने में क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो विद्यार्थी था, जो शिष्य था, वो भी हंस पड़ा। तो चाणक्य को गुस्सा आता है, बोलता है चाणक्य कि हमको इतना गुस्सा नहीं आया घनानंद पर कि वो हमको बेइज्जती किया, हमको गुस्सा इस बात पे हुआ कि मेरा चेला भी हमको समझ नहीं पाया। तो उसी समय वो कसम खाता है उसका चौखट पे, बोलता है अपना सखा सिखा तब तक नहीं बांधेंगे
जब तक घनानंद को मगध की गद्दी से हटा नहीं देंगे। और वहाँ से पूरा बाबू वो गुस्सा में एकदम लाल होकर वहाँ निकल पड़ता है। तो पहले ही तो जीती रोड नहीं रहता था, पहले रोड रहता था खेते खेते थे, एरे एरे पाद में चलता था, तो खेते तो गा रहा था। तो आने के समय में एक देखा कि एक बच्चा का एक टोली है, एक खेल खेल रहा था बच्चा का टोली। और बच्चा का जो टोली खेल रहा था, जिसमें टिल्हा होता टिल्हा, तो टिल्हे पर चंद्रगुप्त मौर्य बैठा हुआ था। और चंद्रगुप्त मौर्य टिल्हा पर बैठा हुआ था और वो खेल खेल रहा था बाबू राजा का, कि वो राजा का ये कर रहा था और फैसला सुना रहा था। और जो बच्चा लोग थे वो बीच में बैठे हुए थे और कुछ बच्चा दोनों एर पे बैठे हुए थे खेत का, ठीक है। अब उतना में चाणक्य उन लोग को बात सुना, तो बात सुना का देखा कि चाणक्य से भी सोच उसका बहुत आगे वो बच्चा के, कैसे वो आदमी बता तक नहीं कि पढ़ने बहुत बढ़िया भाई, इतना मेहनत करो हो जाएगा। तो वैसे ही अब देखा भाई कि उसका जो सोच है चंद्रगुप्त मौर्य के उससे भी आगे था, तो जाके दरबार में शामिल हो गया। तो जानते हो उस समय क्या था, धोती आदमी पहनता था, तो बच्चा लोग पूरा टूट पड़ा, पूरा धोती उत्ती उसको खोल दिया है ना। तो वहाँ से वो क्षमा मांगा और क्षमा मांग के वहाँ से अपना जान बचा के भागा चाणक्य। अब भाग के एक आदमी के पास पूछा, बोला वो जो बच्चा टोली में वो बच्चा कौन है, तो वो बच्चा के बारे में बताता है कि अपना मामू के बंदी बनाने के लिए, जैसे जो चंद्रगुप्त मौर्य जो था ने उसके खानदान के बारे में पूरा पूरी पता नहीं है हिस्ट्री में। कारण क्या है कि उन लोग छिप के रह रहे थे अपना नानी घर में, क्लियर। तो यहाँ बता रहे हैं तो छिप के रह रहा था, तो जानते हो अपना मामा को बंदी कर्ज में डूबा था, बंदी था है ना, तो उसको छुड़ाने के लिए अपने आप को बेच दिया था के बाबू चंद्रगुप्त मौर्य। और एक ग्वाला के यहाँ जानवर चराया करता था, तो उसको पता चला गया ग्वाला के यहाँ, तो गया ने बोला हमको वो बच्चा चाहिए। तो शुरू में मना कर, बोला नहीं बच्चा नहीं देंगे। तो बोले जितना तुम मांगोगे उससे दुगना पैसा देंगे। तो बोला लो बच्चा भी ले जाओ, सामान भी लेते चले जाओ। तो बच्चा को उठा के ले जाता है चाणक्य और उसको बोलता है कि हम तेरा पूरा, तुमको काहे खेल खेल रहे हो, पूरा भारत के हम सम्राट बना देंगे और तेरा माता से हम मिलाएंगे, जो माता से तुम बिछड़ गए हो माता से हम मिलाएंगे। अब उसको चाणक्य ले जाता है, लेके उसको बहुत बढ़िया से पढ़ाता है। जानते हो तब तक्षशिला शुरू शुरू जाता है चंद्रगुप्त मौर्य, तो उसको खाना पीना हर में घृणा करता है, क्योंकि जब तक्षशिला अभी देखो अभी आदमी पढ़ा नहीं पाता है बाहर में, अब तक्षशिला में जो भी पढ़ेगा तो राज्य के नहीं बेटा होगा हो। अब उसको अब वहाँ एक तो सिंपल था, जिसको कोई पढ़ने तक नहीं देता था ना ही खेलने देता था, मतलब वो उसके बहुत ज़्यादा घृणा होता, बहुत दंड। जानते हो चाणक्य उसको सिखाया कि दोस्तों से भी, मतलब जो दुश्मन है उससे भी लड़ना सीखो, उससे भी कुछ ना कुछ सीखो, मतलब बहुत रणनीति सिखाया, लड़ने के तरीका सिखाया, पढ़ाया, बहुत कुछ किया। उसके बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य बड़ा हो जाता है तो लड़ने चल जाता है, तो क्या होता है ना कि बीचे में लड़ने गया तो वहाँ गया हार। तो एक घर से गुजर रहा था, तो माता खाना बना रही थी, तो जानते हो माता बोलती, तो बच्चा का किया कि रोटी को बीचे में उंगली डाल दिया, तो गया झोला, तो बच्चा रोने लगा। तो माता बोलती है ना, बोले ना कि बीच में उंगली मत डालो कि ओठी से तोड़ो तब नहीं झुलाओगे। तो ये ख्याल आया, तो फिर क्या किया चंद्रगुप्त मौर्य कि उसको धीरे धीरे कमज़ोर करना चालू किया। क्या किया उसको, जो खदान वगैरह तो जो था वो सब लूटना चाहो। जानते हो ये जो घनानंद कमज़ोर राजा नहीं था है ना, कमज़ोर राजा नहीं था। अरे आज प्रधानमंत्री बनना ईजी हो, कि उस समय का राजा बनने का मतलब है डायरेक्ट राजा के काटो ओकर बाद राजा पर बनो, और पूरा सैनिक के साथ वो राजा तुरा काटना तो हजार गो सैनिक हो आगे। यही कारण पहले कहा था, पहले तो भुजा के बल रहता था, फिर आप तो कल बंदूक निकालता ले भैया। पहले ताकत यूज होता था बाबू, तो शरीर का ताकत यूज किया जाता था लाठी और डंटा से, क्लियर। तो पहले वैसा कंडीशन था कि लड़ के राजा को मारना रहता था ओकर बाद। तो वो का किया ने, जानते हो उस समय भी झारखंड से हाथी के मदद लेता था घनानंद, और चंद्रगुप्त मौर्य भी यहाँ के आदिवासी और यहाँ के हाथी के भी मदद लिया था बाबू चंद्रगुप्त मौर्य। और जानते हो का किया, उसका खजाना को लूटना चालू कर दिया धीरे, छोटा छोटा जो राज था बाबू, मतलब एक विधि के थ्रू लूटा। जो चंद्रगुप्त मौर्य जो घनानंद को हराया ने, तो ताकत के बल पर नहीं हराया था, एक दिमाग के बल होता ना बाबू, तो धीरे 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 उसको काटते चला गया, काटते 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 उसको पूरा छोट बना दिया। और ओकर बाद उसको मार देता है घनानंद को, और घनानंद के मारने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य 322 में गद्दी पे बैठ जाता है मगध का, और फिर पूरा भारत के सम्राट बन जाता है
चंद्रगुप्त मौर्य, और उसी का प्रधानमंत्री बनता है चाणक्य। तो पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किसके सहायता से गद्दी पे बैठा था, मतलब अबू चाणक्य के सहायता से। यही चाणक्य नीति बहुत बड़ा नीति है, अभी भी तुरंत सुनता होगा। सोचो ना, एक सिंपल बच्चा के राजा बना दिया। और जानते हो चंद्रगुप्त मौर्य सोता था ना, प्रत्येक दिन अलग अलग कमरा में सोता था। ओकर महल जो था लकड़ी के बना हुआ रहता था, अब प्रत्येक दिन बाबू ओकरा अलग कमरा में सोता था, एक कमरा में नहीं सोता था। और जानते हो, यहाँ बता रहे हैं, सिकंदर तो भारत की से लौट के चला गया था, क्योंकि जो सिलिकेट इंडिकेटर था वो यहीं था। तो 305 में लड़ाई हुआ दोनों में, तो सिलिकेट इंडिकेटर गया हार, तो हार गया ने तो डर के मारे अपन बेटिए शादी करवा दिया चंद्रगुप्त मौर्य को, है ना, कौंडल्या से, ठीक है, कौंडल्या से शादी करवा दिया बाबू। और एक राजदूत भेजा, दोस्ती कर लिया, राजदूत भेजा जिसका मेघास्त्री नाम था। और जानते हो 500 हाथी दिया था दान में चंद्रगुप्त मौर्य बाबू, इसको दिया था रे, है ना। और जानते हो ओकरे बदले में 4 को दिया था, हेरत दिया था, मकरान दिया था, काबुल दिया था और गंधार दिया था, 4 को प्रांत दिया था हारने के बाद, क्लियर। ओके भाई, जानते हो चंद्रगुप्त मौर्य को, जैसे कहानी हम लोग जैन धर्म में पढ़े थे, काल पढ़े थे कि मगध में बहुत ज़्यादा अकाल पड़ता है बाबू, तो एक भद्रबाहु स्थूलभद्र, तो स्थूलभद्र तो मगध में रह गया था, अब भद्रबाहु चल गया था श्रवण बेलगोला बाबू, जो नंगा बाबा और जैन धर्म के करता है ना, वो भद्रबाहु ही किया है, है ना दिगंबर। अब भद्रबाहु ही इसका चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा दिया, तो ऐसा शिक्षा दिया बाबू, समझा ने, कि अपना प्राण को त्याग दिया संलेखना विधि से, है ना, भूखे हुए बाबू अपना प्राण को त्याग दिया संलेखना विधि से। और 298 ईसा पूर्व में इसका मृत्यु हो गया। और इसका मृत्यु होने के बाद इसका जो बेटा था बिंदुसार, वो गद्दी बेटा, जानते हो जब चंद्रगुप्त मौर्य तब दरबार अथी में निकलता था जनता से मिलने के लिए, तो इसका एक रुतबा ही अलग रहता था, जैसे ये सोना के पालकी पर निकलता था, ठीक है, और हाथी जो रहता था, हाथी पर सवार सैनिक रहता था, देखो वो आगे सोना के ऊपर निकला, उसको चारों पट्टी औरत लोग घेरे रहती थी, और वो भी हथियार लेस यानी हथियार से भरा हुआ। ओकर बाद जो सैनिक ओटी ओटी डाली लेके चलता था, और डाली पे सिखाया हुआ तोता रहता था, लोग बोलता था तोता राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो, गोले गोले चक्कर घूमते रहता था। और फिर थक जाने पर तोता लोग डाली पे आके बैठता था, और जो पीछे हाथी रहती थी वो भी सोना और चांदी से पूरा सजाया हुआ रहता था, सैनिक के पोशाक सहित, समझा ना, इसमें पूरा जनता से मिलने के लिए वो निकलता था बाबू। अब इसके बाद बिंदुसार आया, अब बिंदुसार भी प्रतापी राजा था, 16 राज की विजेता बोला जाता है, है ना, मित्रघात भी बोला जाता है उसको, मित्रघात बोला कर जाता है। अब बिंदुसार जानते हो एंटियोकस, एंटियोकस सिलिकस निकेटर के बेटा था, तो एंटियोकस मामेन लगा रहे बिंदुसार के, तो उससे क्या हुआ था कि डायमेकस को राजदूत भेजा था मेगास्थनीज के जगह पे, मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तक भी लिखा था, ठीक है, डायमेकस को राजदूत भेजा था। और यही एंटियोकस प्रथम से ये आग्रह किया था एक सूखा अंजीर, हाँ मदीरा हो गया बाबू, एक दर्शनिका, जो डांस नहीं करता नृत्य करने वाला, एक दर्शनिका के मांग किया था। और आकर बिंदुसार के बाद राजा अशोक, और अशोक के कहानी लंबा है, बोलेगा तो सुना दें, है ना, अशोक के कहानी लंबा है, ठीक है, चलो ठीक है, अशोक पीडीएफ से तुम लोग को पढ़ा देंगे, कहे ठीक है, कोशिश करेंगे कि अशोक और तो इनके हिस्ट्री करीब 25 क्लास में ख़त्म कर देंगे, कल साइंस चलेगा, साइंस में तुम लोग को ब्लड पढ़ के आना, ब्लड पढ़ाएंगे। हाँ, लूसेंट से पढ़ाएं बाबू, जिसको थोड़ा बहुत लूसेंट से पढ़ना काफ़ी है, और ज़्यादा हिस्ट्री नहीं पढ़ना, नॉर्मल पढ़ना।